दुर्गा अष्टशेष का या पंचम अध्याय का के कुछ पंक्तियों का पाठ कर रहे थे, तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति सप्तिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यता भिद्यते नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु प्रीति रूपेण संस्थिता छाया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हे देवी जो तू सभी प्राणियों में, केवल हिंदुओं में, केवल मुसलमानों में, केवल किसी जाति में, केवल किसी विशेष में, केवल मनुष्य मात्र में ही नहीं, जिन्हें हम तृतीय पंथ कहते हैं, तृतीय समाज कहते हैं, लेकिन उनके अंदर भी वही शक्ति वही देवी विराजमान, और इसलिए वो भी सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ देवी के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है, वो भी अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकती है। मानव का हिस्सा है, जो चराचर देवी के जगत का हिस्सा है, जो उनकी शक्ति का पर्याय है, वो किसी भी प्रकार के उनके गलत जो धब्बे लग गए हैं उनको धोने का काम कर रही है, उन जो गलत तरीके हैं उनसे लड़ने के, उनके बरखिलाफ खड़ा होने का काम कर रही है, तो इनका कार्य श्राद्ध है, स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, मैं इनका अभिवादन करता हूँ। या आज देवी के दिया और आरती के साथ आप सब लोगों ने मिलकर जलाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से मन से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने इसमें मुझे सहभागी किया, मुझे धन्यवाद अर्पण करता हूँ। जय हिंद। एक पत्रकार से मेरी मुलाकात हुई थी और उसने कहा कि इनका मैंने ढूंढा तो किसी ने इनको नौकरी में नहीं लिया हुआ है, केवल एक किसी सुपर शॉप में नौकरी में है, जबकि वो छद्म रूप से वहां आई थी और बाद में लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया, अदरवाइज लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो राजेश गुप्ता जी ने एक बड़ा कदम उठाया है, मैं उनका तहे दिल से अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इनको जो सही सम्मान दिया। हमारी संस्कृति में किन्नरों का सम्मान हमेशा से रहा है, और ये सम्मान देने का काम जो किया है, ये हमारे अपने हैं, हमारे बीच से ही है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हमारे लोग हैं। हमारे घर में किसी का कुछ हो जाता है, उसके बाद भी हमारा प्यार उसी तरह बना रहता है, ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, हमारे जैसे हैं। हाँ, तो अलग अलग केवल थोड़े बहुत रूप हो जाए, रंग हो जाए, तो क्या हम उसके लिए कोई विषमता रखते हैं? नहीं रखते हैं। राजेश गुप्ता जी इस विषमता को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सही मायनों में शक्ति की उपासना कर रहे हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूं और उनका स्वागत करना चाहता हूं।
कि मैं जेलर हूँ। तो आज हमारे बीच महिला शक्ति जो सुपरिटेंडेंट जेल सुपरिटेंडेंट है वो है कहाँ की हरिद्वार में पोस्टेड है और आज हमारे बीच में है। मैं उनको तहे दिल से सम्मान करता हूँ और मैं अपनी बहन को बोलता हूँ कि उनको साड़ी पुच्छ दे के उनको सम्मान करें। ये है हमारी नारी सम्मान और हम लोग को इस तरह आशीर्वाद वहां से आके देते रहे और आए दिन हम लोग इसी तरह बड़ा और भव्य बाटी जी ने उनका स्वागत किया। आप लोगों को हमारे हार्दिक धन्यवाद। मेरा नाम मेहंदी शेख है और मैं रियल फाउंडेशन से जॉइंट हूँ। अभी हमने संस्था खोली है, मैं फानू जी और आसिफ जी मिलके ये खुद की हमारी संस्था है रियल वाइस फाउंडेशन और इसमें मैं सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया सेक्रेटरी। और मेरे को किन्नरों के लिए संस्था खोली गई है, पुरुष के लिए महिलाओं के लिए भी है, लेकिन किन्नरों को इतनी तकलीफ़ होती है जैसे हैंडीकैप है, जैसे गवर्नमेंट ने रेलवे चालू कर दिया हैंडीकैप लोगों के लिए बनाया लेकिन किन्नरों के लिए कोई डब्बा नहीं बना। शौचालय है तो किन्नरों के लिए कोई नहीं है और हर जगह जाओ चौकी में जाओ दवाखाने में जाओ तो बोले किन्नर है तो बोले आपको ना प्राइवेट में जाना पड़ेगा, आपको बीमारी है यहाँ मशीनें नहीं है ऐसी बोलते। ये समस्या बहुत सारी हमारे किन्नरों को है और मैं अपील करना चाहती हूँ जैसे मुझे यहाँ दुर्गा पूजा में बुलाया है, जैसे रेखा दीदी है, रेखा त्रिपाठी जी है जो मेरी दीदी है, विशाल भैया है मेरे, वो मुझे याद करके मुझे बुलाए, किसी से कांटेक्ट करके बुलाए और मुझे पूजा में बुला के मुझे सम्मान दिए, तो आज मेरे दिल को इतनी खुशी हुई कि आज हमारे को सम्मान देने वाला भी भगवान किसी को रखा है। अगर सब सम्मान देने वाले मर जाते तो शायद ये दुनिया फना हो जाती। आज मैं रेखा दीदी की आभारी हूँ और विशाल भैया की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये पूजा में बुलाया। आपको हम सम्मान देंगे। बोली दीदी हमें सम्मान कोई नहीं देता। बोले हम देंगे और हम आपके लिए लड़ेंगे। और रेखा त्रिपाठी दीदी जो है हमें बोले आश्रम के लिए आपको जगह भी मैं देने ये करूँगी, गवर्नमेंट से मांग के दूँगी जैसे नाला शोपारा में, और बोले हर मांग की मैं आपको पूरा करके दूंगी। जो भी आपको समस्या है, आपको जैसे घर जो किसी को घर नहीं है, जैसा एक किन्नर पैदा होता है वो भी 9 महीना पेट में रहता है, जैसे आप पुरुष रहता है महिला रहती है, चांद जो है वो रोशनी किन्नरों को पूरी नहीं देता है, सूरज है अपनी रोशनी हमें पूरी देता है ना, तो आप क्यों फ़र्क करते हो किन्नर में, हम भी 9 महीना रहते हैं, जब चांद सूरज हमें फ़र्क नहीं कर रहा वो रोशनी हमें पूरी तरह हवा भी पूरी तरह हमें हवा देती है हम सांस ले सके, जैसे आप लोग हैं वैसे ही हमें भी पैदा करके। अब कुछ किन्नर पैदा होते तो किन्नर ले जाते तो जो माँ बाप देते हैं किन्नर उसको कितने अच्छे से पालते, तो माँ बाप अच्छे के किन्नर अच्छे, मैं बोलूँगी किन्नर अच्छे के किन्नर को लेके बचपन से उसको पढ़ाते लिखाते पालते हैं। हमारी जो राम जन्म से चलते आए बधाई टोली, जैसे बच्चा होता है आपकी खुशी में जाते हैं, खुशी होती है शादी होती है तो हमारी दुआएं देने जाते, तो मेरी बात सुनो हमारी दुआएं इतनी लगती है तो हमें भी भगवान कुछ सोच के बनाया। जैसे अर्जुन जी थे हमारा, जब उनको संन्यास आया तो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए उन्होंने किसका रूप धारण किया, हमारा, क्योंकि वहाँ नचनी जो नाचने सिखाने थे वो जेंस नहीं चल रहा था, तो अर्जुन जी भगवान जी जो है वो हमारा रूप लिए और वहाँ जाके उनको डांस सिखा देते। जब वो भगवान हमारा रूप ले रहे तो क्या पता हम किन्नरों में भी कोई भगवान है। जैसे एक भाई साहब आए थे अभी, उन्होंने भी कहा कि जैसे 9 देवियाँ, जैसे 9 दिन आप ये करते हो, क्या पता हो 9 देवों में एक देवी हम भी हो सकते हैं। मैं अपने आप को देवी नहीं बोल रही हूँ लेकिन मैं अपना हक मांग रही हूँ। जैसे किन्नरों के लिए कोई संस्था नहीं खोली गवर्नमेंट ने, ना कोई शौचालय नहीं कुछ नहीं, ट्रेन में जाओ और चौकी में जाएंगे कि एक आदमी हमको छेड़ा तो बोले नहीं आप किन्नर हो ना आप छेड़ोगे। क्यों नहीं समझते कि किन्नर ही गलत नहीं हो सकते, कभी भी वो आदमी भी गलत हो सकते हैं। जब कोई किन्नर कुछ काम कर रहा है तो जल रहा है, दुनिया जल रही है, अरे किन्नर खड़े रहेगा इलेक्शन में, नहीं खड़े रहने देंगे हम उसको, कुछ भी करके धमका वमका के हमें बिठा डालते। इस साल टिकट का मुझे पूरा चांस था लेकिन कुछ गुंडे जो मेरे साथ देने वाले थे उन्होंने बोले इनको अगर टिकट दिलाएंगे तो बहुत बुरा होगा, तो मैंने खुद ही टिकट ले ली। क्यों मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो, क्योंकि लोग चाहते हैं मुझे, चाहने वाले जैसे अभी रेखा दीदी है, विशाल भैया है, सम्मान दिए, उनके दिल में भगवान आई देवी आई,
कि नहीं देवी नौ दिन बैठेंगी, वैसे 10 दिन आपको सम्मान देके हमको खुशी होगी। जैसे रेखा त्रिपाठी दीदी जो है, विशाल भैया, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ जो किन्नरों को इस लायक समझी, अपने सीने से लगाया और बोली आधी रात को आप मुझे कॉल करो, कोई भी समस्या कोई दुख दर्द हो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए लड़ने के लिए आधी रात को विशाल भैया को लेके हाजिर हूँ। तो मैं तय दिल से रेखा दीदी की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने जोगेश्वरी में मुझे ऑफिस भी दिया है रियल वाइस फाउंडेशन खोलने के लिए, ऑफिस की चाबी दे दी कि आप मेरी ऑफिस लेके चाबी लो ऑफिस खोलो, किसी ने नहीं दिया मुझे, जगह मांग रही हूँ ऑफिस के लिए, थोड़ी जगह दे दो रोड पे, कोई नहीं दे रहा। लेकिन रेखा दीदी जब सुनी तो बोले मेरी ऑफिस है ऑलरेडी, आप चाबी लेके खोल लो। और मैं यही दुआ करूँगी मेरी माता से कि रेखा दीदी का सोते उठते बाल नहीं टूटे, मेरा विशाल भैया जैसा सबको भाई मिले, जो हमारी भावना को समझाए, उनके घर सदा खुशियां दे, मैं यही देवी से गुजारिश करूंगी। आगे आने वाला पैनल फंक्शन भी आपका रियल फाउंडेशन क्या क्या करने वाले? मैं रियल वाइज फाउंडेशन जो खोली हूँ, जैसे किन्नरों को अपना हक दिलाऊंगी, महिलाओं को अपना हक दिलाऊंगी और एक पुरुष को अपना हक दिलाऊंगी। हमारे में बहुत काम है, जैसे नशा मुक्ति, इनके लिए हम एक मोर्चा निकालेंगे कि नशा ऐसे चाकू लेके जाओ तो घंटी बज रही है एयरपोर्ट पे, लेकिन नशे की इतनी चीज आ रही है तब घंटी नहीं बजती है, इनमें सब मिली भगत होती है। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मुझे मेरे मुंह पे बोलना मैं सॉरी चाहती हूँ, लेकिन ये नशे की चीज़ अंदर कैसी आती है, बॉम्बे में ज़्यादा नशा, कॉलेज में जाओ पढ़ने भेजते हैं बच्चों को तो वहाँ नशा चालू कर देते हैं लोग, क्योंकि ये बाहर के देश के लोग हिंदुस्तान के लोगों को खपला करना चाहते हैं, मतलब इनको नशे की हालत में जुड़ा दो ये हिंदुस्तान तबाह हो जाए, क्यों ये देश मेरा नहीं है, ये हिंदुस्तान मेरा नहीं है, मैं भी हिंदुस्तान से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं ये मेरा समाचार यहीं ये करती हूँ, ये मेरी रेखा दीदी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, हिम्मत दे रही है मुझे, इसका बहुत उसकी बहुत आभारी हूँ मैं, जो किन्नरों का साथ देने पहली लेडी खड़ी है जो हमारे साथ, बोले आपके साथ मैं एंड तक खड़ी रहूँगी। तो मैं विशाल भैया की और रेखा त्रिपाठी जी की बहुत आभारी हूँ और जय हिंद जय हिंद। काम किया है जैसे बहुत ही सम्मान का काम किया है आपने, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ पूजा पाठ के साथ साथ हमें लोगों की दुआएं और इंसानियत को समझना चाहिए, जो दुखी हैं उनको खुश रखना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ मेरी माँ खुश हो गई, जिसको जो चाहिए उसके अधिकार के लिए लड़कर उसका अधिकार दिलाना चाहिए, तो मैं सोचूंगी मैंने माँ को प्रसाद अर्पण कर दिया, तो मैं इसलिए इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। और दूसरा क्या है, आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं क्योंकि बिल्डिंगें बन गई हैं पहले और अब में बहुत अंतर हो गया, तो इससे बहुत सारे किन्नर लोग ना भूखों मर रहे हैं। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि लोग अंदर जब वो लोग कुछ मांगने जाते हैं बधाई के लिए तो उनको मार के भगाने चालू होता है, वो बोल देते जबरदस्ती हफ्ता मांगते हैं, खंडनी मांगते हैं, ऐसा ऐसा करके झूठे झूठे केस भी दायर कर देते हैं। और अगर और वैसे भी बच्चे तो अस्पताल में पैदा होते हैं ज़्यादातर के, इसलिए मैंने सोचा कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए सोचकर मुझे करना चाहिए ताकि इन लोगों को हक मिल सके, ये लोग आराम से जी सकें, समाज में अच्छे से रह सकें। रेखा जी बात करें जिस तरह से जो है कि दो मिनट जिस तरह से अभी उन्होंने बताया जो है कि बच्चा पैदा होता है 9 महीने कोख में रहते हैं और जब उनको पता चलता है कि जो है कि ना स्त्री है ना पुरुष है, उनको जो है एक अलग समुदाय में दिया जाता है, तो बच्चा तो दे देते लेकिन बच्चों को उस समुदाय को कोई मदद नहीं मिल पाती है। तो मैं इसके लिए मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को मैंने समाज में शामिल कर लिया आज से, तो मैंने माँ से संकल्प किया कि आज से मैं हर काम में किन्नरों लोगों को बुलाऊंगी और जो भी मेरे पड़ोसी रहेंगे, जो मेरे दोस्त पहचान वाले रहेंगे, उन सबको भी बोलूंगी इनको इज्जत दे सम्मान दे ताकि हमारा समाज एक जैसा हो जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको चैन की जिंदगी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और ये उल्टी सीधी समस्या नहीं आ पाएंगे। और दूसरा इनको पढ़ाई पे भी ध्यान देने के लिए मैं कुछ ऐसी योजनाएं चलाऊंगी जिससे ये लोग पढ़ाई लिखाई कर सकें और आगे बढ़ सकें और अपने हक के लिए लड़ें। उनको गाइड भी करूंगी कैसे करो इससे तुम्हारा हक मिल सकता है। नवरात्रि महीना चौरा अष्टमी है तो माताजी के भक्तों से क्या कहना चाहिए, माताजी से भक्तों के लिए क्या है? यही चाहती हूँ माता से, जो भी मांगेंगे माँ मुराद पूरी करेगी, माँ कभी किसी को खाली नहीं रखती, कोई भी इंसान रहने दो, इसलिए मैं सबको बुलाती हूँ, सबको मान सम्मान देती हूँ, सबका मान रखती हूँ।
जैसे एक बहन के लिए एक भाई बहुत बड़ा मजबूत कंधा होता है, और इससे मैं विशाल भगत जी आपके साथ जुड़े हुए क्या कहना चाहेंगे? जी वो तो मैं चाहती हूँ जन्म जन्म इतना मजबूत कंधा हमेशा रहे। आज माता रानी का अष्टमी दिन है, और आज के लिए आपने एक अलग समुदाय, जिसको जो है समुदाय से अलग रखा है, उस समुदाय को आपने माता रानी की कृपा से अपने साथ जोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा हर बार प्रयास रहता है कि माता रानी के दिन अष्टमी के रोज मैं उन लोगों के साथ काम करूं जो देश के हित के लिए काम करना चाहते हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। मेरी बहन ने मुझे बताया कि किन्नर समाज जो है आज हमारे समाज के साथ में मिलकर काम करना चाहता है और उनके जो भटके हुए लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाना चाहता है। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि निश्चित ही हम उन लोगों को सम्मानित करेंगे यहाँ पर और उनका उत्साह को बढ़ाएंगे। मेरी बहन रेखा त्रिपाठी इस कार्य के लिए हरदम आगे बढ़ते रहती है और मेरा हरदम प्रयास रहता है कि वो हर तरह का सहायता करूँ। आपकी संस्था है तो आपकी संस्था महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं महामंत्री हूं और रेखा त्रिपाठी अध्यक्ष है, ट्रस्टी है। और जो आज जो किन्नरे लोग जो आई थी, मेहंदी लोग जो आई थी, वो लोग हमारे साथ पूरा सम्मिलित हैं और हमारे साथ काम करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, और उनसे आग्रह है कि वो आने वाले दिन में किसी प्रकार का भी उनको सहयोग हमसे चाहिए तो वो हम लोग निश्चित ही देंगे। हमारे कार्यक्रम में आशीष सेलार जी आने वाले थे, किसी कारणवश वो नहीं आ सके, लेकिन मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूं क्योंकि उन्होंने अपने मैसेज के माध्यम से उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारे इस कार्यक्रम के लिए, तुम जिस प्रकार ये कार्यक्रम को कर रहे हो आगे भी करते रहो। और संस्था के बारे में बताना चाहेंगे, संस्था क्या क्या कार्य कर रही है? मेरा संस्था जो है महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट और झारखंड सेवा संघ, जो बगल में है हमारे मास्टर जी दिख रहे होंगे आपको, ये हैं हमारे मार्गदर्शक गुप्ता जी हैं, रामलखन साहू जी हैं, हमारे बहुत से लोग हैं हमारे साथ जुड़ के जो एक साथ काम करते हैं संगठन के लिए। और महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ब्लड डोनेशन का कैंप होता है, वो कार्य करता हूँ। स्कूल में बच्चे लोग को जो पुस्तक बांटा जाता है उसका काम करते हैं, जो बच्चे लोग उत्तीर्ण करते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, उन लोग को हम लोग सम्मानित करते हैं, माँ सरस्वती के नाम से सम्मानित करते हैं। इस तरह का कार्य हम लोग महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करते रहते हैं। माता के भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? माता के भक्तों से कहेंगे कि नशा को छोड़ दें और देश के विकास में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उनका साथ दें। मैं निश्चित ही बोल सकता हूं आज आप लोग के माध्यम से कि आज जो भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं आम जनता, वो निश्चित उसका सुधार होगा और उस पर विकास होगा। और मैं आपके माध्यम से मैं अपने उच्च अधिकारी और उच्च नेताओं को मैं आग्रह करता हूं कि वो लोग अगर उनके पास कुछ सुझाव है तो बोर्ड में आके सुझाव दे, प्रधानमंत्री के ऐप्स में जाके सुझाव देंगे, ना कि मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें। ये बहन रेखा जी, विशाल भाई, मास्टर जी, हमारे जो संस्था से जुड़े हैं सभी लोगों का मैं एक ये बोलेगा, हम लोग तो परदेशी हैं लेकिन यहाँ परदेश में हैं हम लोग, अगर विशाल भाई और रेखा जी अगर कुछ भी करते हैं तो हम सभी को हम बोलते हैं हमारे साथ आइए, रेखा जी का साथ दीजिए, विशाल जी का साथ दीजिए, बस यही मैं बोलूँगा। और विशाल जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। माता रानी की कृपा चाहिए, संगठन हम लोग को मजबूत रहे, हर समय मिलते रहें और कार्य को और उज्जवल बनाते रहें, बस धन्यवाद। माता के भक्तों, विशाल जी माता के भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? अभी दशहरा भी आ रहा है, दशहरा में कहेंगे कि अच्छे अच्छे कार्य करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, उनका सेवा करें, अगर हो सके तो उनका पैर छू के प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेके उज्जवल काम करने की शुभकामनाएं लें और इसी तरह काम करते रहें। जरा